नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाथ इंस्पायर टू हिंदी से, और आज हम बात करने वाले हैं Asus ZenBook Flip UX462DA लैपटॉप के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके अनबॉक्सिंग के साथ। इसके ऑफिशियल बॉक्स में सबसे पहले आपको मिलेगा ये लैपटॉप। आपको मिलता है इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड, 45 वॉट का एक चार्जर, इसके लिए एक स्टाइलस पिन भी मिलता है जिसको मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया था, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्ड और डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अलग सा डिज़ाइन है इसका, और ये पूरी तरीके से पूरा रिवर्स हो जाता है लैपटॉप। मतलब इसको आप पूरा ही फ्लिप कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको इसके लिए चार्जिंग पोर्ट, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी थंडरबोल्ट पोर्ट और एक USB पोर्ट मिलता है नॉर्मल वाला, और आप इसको पूरा एकदम मस्त हिंज के ऊपर एकदम बढ़िया वाला 360 एकदम फोल्ड कर सकते हैं। इसमें आपको एक कैंसिंगटन लॉक स्लॉट मिलता है, 3.5mm जैक मिलता है, पावर बटन मिलता है और एक और USB पोर्ट मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे। और इसका जो कीबोर्ड है LED बैकलिट कीबोर्ड है, और इसमें आपको 1.4mm तक का की ट्रैवल मिलता है। ये लैपटॉप वे करता है 1.6 किलोग्राम। सर, ये मेरे को उतना ज़्यादा भारी भरकम नहीं लगा। इस पे कहीं की जगह पे मेटल फिनिश दे रखी है और कहीं कहीं पे मोस्टली प्लास्टिक वगैरह यूज़ हुआ है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आता है Ryzen 5 3500U के साथ, 8GB आपको रैम मिलती है इसके साथ। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसका मॉडल नंबर था UX462DA, और आप इसमें रैम को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें अलग से कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, Radeon Vega 8 ग्राफिक्स इंटरनल प्रोसेसर के साथ ही आपको मिलते हैं। सारे बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह भी आपके सामने ही है स्क्रीन पे। उतना ज़्यादा मतलब एकदम तड़कता भड़कता परफॉर्मेंस तो नहीं था इसमें, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। और एक और बात यह है कि क्योंकि एक काफ़ी कॉम्पैक्ट लैपटॉप है तो इसमें जो हीटिंग इश्यूज़ हैं या थ्रॉटलिंग है वो कभी कभी हो जाती है, बट उसके अलावा जो इंटरनल SSD है उसकी रीड राइट स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि एक PCI Express NVMe SSD है, तो वो मुझे इसकी बहुत ज़बरदस्त बात लगी। और इसके अलावा ये जो लैपटॉप है इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो इसको काफ़ी हद तक हैंडी बना देती हैं। स्क्रीन जो है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें बेजल्स बहुत कम हैं और वो उसके पूरे एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक इन्हांस कर देते हैं। स्क्रीन की क्वालिटी मेरे को इस प्राइस रेंज में काफ़ी सही लगी। एक ऐसी स्क्रीन है जो कि 14 इंच की है, ऑलमोस्ट बेजललेस, 100% sRGB कलर गैमट को सपोर्ट करती है। विंडोज़ लैपटॉप्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट कलर स्क्रीन है ये, और 178 डिग्री वाइड व्यू टेक्नोलॉजी इसमें। आइए करते हैं इसका एक छोटा सा साउंड चेक। इसमें हर्मन कार्डन सर्टिफाइड ऑडियो सिस्टम दे रखा है, बट मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं लगा। स्पेशली अगर आप इसको ऐसे टैबलेट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि साउंड उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो इसकी थोड़ी सी बुरी बात मुझे लगी। अगर आप सही में इस पे गेमिंग करना चाहते हैं तो मतलब गेम्स तो मैं बिल्कुल भी इस पे रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज काउंटर स्ट्राइक जैसी गेम को मैं 800x600 पे खेल रहा था और एकदम लोएस्ट सेटिंग्स पे, और उस पे भी मुझे मुश्किल से 60 से 90 FPS तक मिल रहा था, और वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। मतलब इतना सब कुछ डाउन करके तब भी उस पर बहुत ही मर के गेम्स चल रही थी। तो गेमिंग के लिए मैं बिल्कुल भी लैपटॉप किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप इस पर शैडो ऑफ द टूम्ब रेडर भी खेले एकदम लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे 1280x720p पे, तो आपको मुश्किल से इस पर 20 से 30 FPS मिलेगा, जो कि बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं लगता। रेनबो सिक्स सीज को मैंने इस पर खेला 1024x768 पे एकदम लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे, और वहाँ पे भी मतलब ठीक ठाक FPS था, मतलब थोड़ा बहुत तो प्लेएबल था, बट स्टिल वो एक जो मज़ा आता है वो मज़ेदार एक्सपीरियंस नहीं था। तो गेमिंग के लिए इस लैपटॉप को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट उसके अलावा बाकी जितनी भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है उनके लिए मैं इसको इजीली रिकमेंड करूँगा। इसको जब आप पूरी तरह से फोल्ड कर देते तो एकदम ही एक टैबलेट की तरह बन जाता है, और तब इसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग हो जाता है। आप इसको एक सेकेंडरी डिस्प्ले के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ और देख रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा था मैक पे, और साइड में इस पर मस्त एकदम CSGO की लाइव मेजर का स्ट्रीम चल रहा था, जिसमें चैट भी साथ में पढ़ रहा था। तो वो एक ऐसी चीज़ है मतलब जो इसका यूज़ केस है वो इसको एक काफ़ी अलग टाइप का गैजेट बना देता है। आप इसको एक वर्टिकल मॉनिटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एक टैबलेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एक मल्टीमीडिया डिवाइस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और Asus द्वारा क्लेम्ड बैटरी लाइफ है 9 घंटे की, मुझे बड़े प्यार से 7 घंटे बैटरी लाइफ इस पर मिल रही थी बैलेंस्ड पावर प्रोफाइल के साथ। और अगर आप बैटरी सेवर यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा और मिल जाएगा। अगर आप इसको सिर्फ मल्टीमीडिया के लिए यूज़ करना चाहते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पे आप इसकी टच स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस लैपटॉप को चला के। नॉर्मल काम करने के लिए भी लैपटॉप काफ़ी हद तक सही है, टच पैड एक्सपीरियंस भी काफ़ी हद तक इसका ठीक ठाक है। दो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक माउस यूज़ करें, वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट बना देता है, बट ये काफ़ी हैंडी और कॉम्पैक्ट लैपटॉप है। और 60,000 से 70,000 के बीच में उसका प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है, और उस प्राइसिंग पे जो अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया लैपटॉप हो सकता है ये। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।